हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से एक शेयर लेके आए हैं जिसका नाम है बालाजी एमाइंस। तो इसकी स्टॉक के बारे में हम बताएंगे कि कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं एंड कंपनी क्या क्या बनाती है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे एंड कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे इनकी वेबसाइट पे, बालाजी एमाइंस फुली इक्विप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटराइज्ड प्लांट इनके लगे हुए हैं। लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं एलिफैटिक एमाइंस के इंडिया में। ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं एमाइंस डेरिवेटिव्स स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मा, इनसे रिलेटेड ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम इनकी एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं जो हाल ही में इन्होंने प्रेजेंट किया है अपने फ्यूचर्स के बारे में। ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, ये देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑन परफॉर्मेंस हाइलाइट्स। इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, रेवेन्यू आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू जंप किया है, ईबिटा भी जंप किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाईली जंप किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप 9 मंथ की भी अगर परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है, आप देख सकते हैं Q3 की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स इन्होंने यहाँ बताई है। सेल्स वॉल्यूम 33.99% फ्रॉम 21,160 मेट्रिक टन से Q3 में FY 2020 में 28,353 मेट्रिक टन तक पहुंच गया है। बोला है दे विटनेस एन इंक्रीज इन डिमांड अक्रॉस आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑन अकाउंट एंड ऑफ रोबस्ट एंड यूजर मार्केट अलोंग विद हेल्दी प्राइस रियलाइजेशन। आवर एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव्ड प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग लेवरेज ड्यूरिंग टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ टेक एंड बेटर प्राइस रियलाइजेशन। इन्होंने अपनी कैपेसिटी बताई है। एमआईएस का वॉल्यूम जो है 4,952 मेट्रिक टन, एमएस डेरिवेटिव्स वॉल्यूम 10,812 एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का जो वॉल्यूम है 12,589 मेट्रिक टन। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था, प्रोसेस ऑफ रिवर्ट लेने के ऑफ द एसेटोनिट्राइल प्लांट इज करेंटली अंडरवे व्हिच इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ मार्च 2021। ऐसा भी ये बता रहे हैं, पोस्ट इज एक्सरसाइज द प्रोडक्शन आउटपुट विल इंक्रीज 80-20 टन पर डे। अभी जो है 9 टन पर डे चल रहा है इनका एसिटोनिट्राइल प्लांट में जो प्रोडक्शन है। दोस्तों इनके एक्सपेंशन प्लान, हम इनके एक्सपेंशन प्लान देख लेते हैं एंड इन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बताया है। इनकी जो डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मामाइड प्लांट हैज इंप्रूव 45% Q3 में ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज डिमांड एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। द डिमांड सप्लाई मिसमैच हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन मच इंप्रूव प्राइस रियलाइजेशन। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन सेगमेंट एंड एग्रोकेमिकल आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव सिग्निफिकेंट डिमांड फॉर DMF प्रोडक्ट इन Q3 2021 में। इन्होंने बोला है जो बायोलॉजी स्पेशलिटी केमिकल जो सब्सिडरी हैज एन इम्प्रूव्ड सेल्स रन रेट ऑफ अबाउट 20.5 करोड़ पर मंथ। ओवरऑल इम्प्रूव डायनामिक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बोड्स वेल फॉर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री विच शुड इनेबल अस टू ग्रेजुअली इंक्रीज कैपेसिटी इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन इन फोर्थ कमिंग क्वार्टर। Also, they are witnessing demand for China for products like EDA and DEPA manufactured by our subsidiary company. The manufacturing of phthalate amines under the first phase of our 90-acre greenfield project is likely to commence by end of FY21. The production of dimethyl carbonate is expected to commence by the end of Q2 FY22. Designing and engineering work for the
फॉर आउट और मिथाइल एमाइन प्लांट अंडर सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हैज कमेंस्ड एंड वी एंटिसिपेट कमिशनिंग ऑफ दिस प्लांट बाई नवम्बर 2021। ये इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स को और एक्सपेंड कर रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे ब्रीफ में इनके एक्सपेंशन प्लान देख सकते हैं। एसेटो नाइट्राइल के लिए इनके जो प्लान्स हैं वो देख सकते हैं आप। अभी इनके पास में 9000 टन पर एनम की कैपेसिटी है करेंटली, पर डे ये बना रहे हैं। और जो डिमांड है एसेटो नाइट्राइल की वो एक्सपेक्टेड है, बहुत ही आगे जाएंगे, इनका वॉल्यूम बढ़ने वाला है। तो धीरे 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 ये 9000 टन पर एनम को 18000 टन पर एनम तक ले जाएंगे इसकी कैपेसिटी को। इथाइल एमाइंस एंड डीएमसी की जो इनके पास कैपेसिटी है वो 6000 टन पर एनम है। धीरे धीरे ये इसको भी इंक्रीज कर रहे हैं और फिर इसको ये अभी इंस्टॉल करेंगे एडिशनल कैपेसिटी 16500 पर एनम, क्योंकि डिमांड फॉर इथाइल एमाइंस इज लाइकली टू गेट फर्दर बूस्ट एज इट्स फाइंड एप्लीकेशन इन COVID-19 मेडिसिन। COVID-19 की जो मेडिसिन हैं उसमें इथाइल एमाइंस का बहुत यूज है, इसलिए ये अपने इस प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। मिथाइल एमाइन की जो कैपेसिटी है इसको भी ये इंक्रीज कर रहे हैं। मार्केट लीडर है मिथाइल एमाइन में, मार्केट लीडर है इंडिया में। और इनके पास में जो इसकी कैपेसिटी है 48000 पर एनम है, 48000 टन पर एनम, बहुत ही सॉलिड कैपेसिटी है। तो इसको भी ये धीरे 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 धीरे, और ये भी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में एंड एग्रोकेमिकल में इनका यूज होता है मिथाइल एमाइंस का। तो इन्होंने लिखा भी है टू मीट आवर इंक्रीजिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दे प्लान टू सेट अप अ सेपरेट प्लांट फॉर मिथाइलामाइन विद कैपेसिटी ऑफ 40,000 टू 50,000 टन पर एनम अंडर फेज टू एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो एक अपना ये 40,000 से लेके 50,000 तक का टन पर एनम का एक प्लांट और लगाने वाले हैं मिथाइलामाइन प्रोडक्शन के लिए। एंड दोस्तों डाइमिथाइल फॉर्मा माइड, तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का इनका जो पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी है अभी 30,000 टन पर एनम है। इसके लिए भी एक ये सेकेंड प्लांट एक लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं लुकिंग इनटू द करेंट सिनेरियो विच इंडिकेट्स द ग्रोथ ऑफ API एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है इस समय जो चल रही है कोरोना की वजह से, एंड आगे फ्यूचर प्लान्स जो हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज, अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू दे प्लान टू सेट अप ए सेपरेट प्लांट फॉर DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के लिए एक ये सेपरेट प्लांट और लगाना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी 30,000 टन पर एनम होगी। वो फेज सेकंड में ये लगाएंगे उसको। तो 30,000 टन पर एनम इनके पास ऑलरेडी है, 30,000 टन पर एनम और हो जाएगी तो ये 60,000 टन पर एनम हो जाएगी। और डिमांड फॉर DMF इन इंडिया इज विटनेसिंग अ ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 7-10% पर एनम रहने वाली है। करेंटली दे आर विटनेसिंग द इंक्रीज डिमांड एंड रिड्यूस इम्पोर्ट विच आर मेजर पॉजिटिव फॉर द कंपनी एंड इट विल लीड टू इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। डिमांड सप्लाई मिसमैच इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन हेल्दी प्राइस रियलाइजेशन। तो इनके ये जो प्रोडक्ट्स हैं एसेटोनाइट्राइल, इथाइल एमाइंस, मिथाइल एमाइंस, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इन सब की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है ये धीरे 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 आने वाले 4-5 फेसेस में ये इसको कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। तो आप दोस्तों देख ही सकते हैं इनके पास एक्सपेंशन प्लान बहुत ही सॉलिड एक्सपेंशन प्लान है बालाजी एमाइंस के पास में, जिससे कि शेयर काफी ऊंचाई तक जा सकता है और प्रॉफिट काफी अच्छा कंपनी जनरेट करती हुई दिखेगी आने वाले समय में एमाइंस इंडस्ट्री। ओनली जस्ट 3 प्लेयर्स हैं एमाइंस इंडस्ट्री में, एक RCF, एल्काइल एमाइंस एंड बालाजी एमाइंस इंडिया के अंदर। आप देख ही सकते हैं इनके पास में आगे के लिए ग्रोथ बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटर बहुत कम है जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए। यूनिक बट क्रिटिकल इंडस्ट्री विद ग्रोथ पोटेंशियल,
आप देख सकते हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं. द साइज ऑफ एलिफेटिक एम आइन इंडिया ग्लोबल इज $4.9 बिलियन. ग्लोबली द एम आइन इंडस्ट्रीज ऑलिगो पोलिस्टिक विथ 2-3 प्रोड्यूसर्स कैटरिंग टू द मेजोरिटी ऑफ डिमांड इन द रीजन. 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं ओनली जस्ट जो कैटर कर रहे हैं पूरी डिमांड को. टॉप 6 कंपनीज कंट्रोल अराउंड 50% ऑफ द ग्लोबल कैपेसिटी. चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलिफेटिक एमाइंस अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन. ग्लोबल 61% ऑफ एलिफेटिक एमाइन एंड एमाइन बेस्ड केमिकल्स गेट कंज्यूम्ड इन द फार्मास्यूटिकल केमिकल. फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 61% एलिफेटिक एमाइन का यूज होता है. 26% गेट कंज्यूम इन द एग्रोकेमिकल. तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए बहुत ही जरूरी है एमाइन. तो ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एलिफेटिक एमाइन एंड एमाइन बेस्ड केमिकल 61% फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए चाहिए एंड 26% एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए. इन टर्म्स ऑफ द यूसेज एलिफेटिक एमाइंस एंड डेरिवेटिव प्राइमरली फाइंड्स एप्लीकेशन इन सॉल्वेंट्स 44% फॉलोड बाय पेस्टिसाइड्स 50% एंड एनिमल पॉलिट्री फीड एडिटिव्स 8%. कंज्यूमेबल ऑफ नेचर ऑफ डिमांड एंड द ऑलिगोलोपोलिस्टिक nature of the industry result in a strong correlation between revenue growth of aliphatic amines and the end user industry. Ammonia, methanol and denatured ethyl alcohol inke ye raw material hai aliphatic amine banane ke liye. methanol jo hai methanol inke liye critical raw material hai jo primarily imported hota hai mainly kuch countries se jo middle east लाइक ईरान सऊदी अरेबिया वहां से ये रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं. फॉर इंडियन एमाइन मैन्युफैक्चर 45-55% ऑफ द एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूरोप अलोन. आप देख सकते हैं यूएसए एंड जापान आर दी अदर की एक्सपोर्ट मार्केट्स. तो एमाइन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सॉलिड आगे की ग्रोथ चार्ट है. लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं एलिफेटिक एमाइन के इंडिया में. 25 से ज्यादा प्रोडक्ट की इनकी बास्केट है. दोस्तों आप देख रहे होंगे इंडस्ट्री वाइज अगर रेवेन्यू ब्रेकअप अगर इनका देखा जाए तो 51% टोटल 51% इनका फार्मा से आता है एंड 26% एग्रोकेमिकल. तो एग्रो सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर इनके की सेक्टर है. और पेंट्स एंड रेजिन्स ऑयल्स एंड गैस वाटर ट्रीटमेंट केमिकल एनिमल फीड रबर क्लीनिंग केमिकल डाइज एंड टेक्सटाइल से भी थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू वहाँ से भी इनका जनरेट होता है. हाईली एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है इनके पास. आप देख रहे होंगे सारे लोग श्रीनिवास रेड्डी मिस्टर डी राम रेड्डी प्रताप रेड्डी राजेश्वर रेड्डी हेमंत रेड्डी बहुत एक्सपीरियंस 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. इस तरीके से हाईली एक्सपीरियंस्ड टीम है. डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनके पास एमाइंस एमाइंस डेरिवेटिव स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल फार्मा एग्रो मोस्टली फार्मा एंड एग्रो में इनका प्रोडक्ट जाता है. इनकी क्लाइंटेल आप देख सकते हैं एमआईएस के लिए जुबिलेंट लाइफ साइंस प्लस प्लास्टिसाइजर्स डॉक्टर रेडी औरविंदो हेटेरो एमआईएस डेरिवेटिव के लिए सन फार्मा बैंकीज इस तरीके के नामी ग्रामी कंपनी जो है वो इनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हैं. ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके क्लाइंट्स हैं हर जगह फैले हुए हैं. 90.11% टोटल रेवेन्यू FY 2020 में जनरेट हुआ है एक्सपोर्ट्स से. अवार्ड्स भी मिले हैं कंपनी को. काफी सॉलिड कंपनी है बहुत ही सॉलिड कंपनी है एमआईएन इंडस्ट्री में. दोस्तों आप बालाजी एमआईएन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं.
अब थोड़ा हम इसके टेक्निकल्स के बारे में भी देख लेते हैं। टेक्निकल में आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग चार्ट है कंपनी का, बहुत ही सॉलिड चार्ट है। 2007 में लिस्टेड हुई है, वहां से देखिए ग्रोथ मिली है कंपनी को, बहुत सॉलिड ग्रोथ मिली है। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को परचेस करने के लिए। आप ओवरऑल स्टॉक का एनालिसिस देख सकते हैं, लो डेप्ट है कंपनी के पास में, पॉजिटिव रिजल्ट लास्ट 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में इन्होंने दिया है। हर एक पैरामीटर पर टेक्निकली बुलिश है वीकली एंड मंथली स्टॉक। क्वालिटी एवरेज क्वालिटी है स्टॉक की। वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है क्योंकि स्टॉक काफ़ी जल्दी ही काफ़ी हाई तक चला गया था उस वजह से, लेकिन तब भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड जो है आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल ट्रेंड है। 2 की फेस वैल्यू है, 57 की ईपीएस है जो कि बहुत सॉलिड है, 206 की बुक वैल्यू है शेयर की। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड शेयर का सॉलिड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड देते हैं। कंपनी ने बोनस भी दिया है 2007 में 1:1 का। रेवेन्यू देखिए दोस्तों, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। ईपीएस भी इंक्रीज हो रही है, आप आरओई देख ही सकते हैं 15 के आरओई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत ही सॉलिड कंपनी है एमाइंस इंडस्ट्री से, तो आपको अगर केमिकल सेक्टर से अगर कोई स्टॉक चूज करना है तो आप बालाजी एमाइन को चूज कर सकते हैं। फॉर फ्यूचर के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक है तो आप इस सेक्टर से बालाजी एमाइन को जरूर चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आगे बहुत ही प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट ये जनरेट करके आपको दे सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, और मेरे शेयर चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।